सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मैं आज आप सभी के लिए यहाँ पे ब्रिटेनिया कंपनी की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया जॉब वैकेंसी का अपडेट लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, ब्रिटेनिया कंपनी में 2023 के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है आप सभी के लिए। गाइस, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज की अपडेट्स निकल के आ चुकी है। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे ब्रिटेनिया कंपनी में, और बहुत ही आसानी से जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग यहाँ पे ब्रिटेनिया जैसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए, नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी के साथ साथ गाइज, मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी करके दिखाऊंगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या सवाल वगैरह पूछा जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, एक भी स्टेप को स्किप या फिर मिस भूल से भी मत कीजिएगा। हर एक चीज को पहले बारीकी से समझ लीजिएगा, तभी यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। आधी अधूरी जानकारी लेकर गाइज आप लोग यहाँ पे आवेदन मत कीजिए, नहीं तो आप लोग की जॉब नहीं लग पाएगी। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि ब्रिटेनिया में निकली भर्ती। हाँ गाइस, यहाँ पे ब्रिटेनिया में 2023 के लिए भर्ती निकल के आ चुकी है आप सभी के लिए। बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, 100% फ्री जेन्युइन नौकरी होने वाली है। तो गाइस, आप लोग को यहाँ पे इस जॉब को पाने के लिए किसी को भी एक पैसा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि गाइस आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क में ये जॉब मिल जाएगी। सैलरी की बात कर ले तो यहाँ पे आप लोग जो 25,000 सैलरी देख रहे हैं, बिल्कुल सही सैलरी है गाइस। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बढ़िया सैलरी देखने को मिल जाएगी। रहना खाना बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। विभिन्न पदों पर भर्ती है गाइज, यहाँ पे आप लोगों को विभिन्न प्रोफाइल पर भर्ती देखने को मिल जाएगी। डायरेक्ट इंटरव्यू यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बड़ी भर्ती होने वाली है, और यहाँ पे तुरंत आप लोगों को आवेदन करना है। कैसे आवेदन करना है इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, क्योंकि देखिए यहाँ पे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाता है। हम लोग ढूंढ ढूंढ के आपके लिए ऐसी वाली जॉब वैकेंसीज की अपडेट्स लेके आते हैं, जिससे आपका बेरोजगारी दूर हो पाए। सो दोस्तों, हमारी इस छोटी सी मेहनत, छोटी सी कोशिश के लिए आप लोग बस इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, साथ वाला नोटिफिकेशन बेल में ऑल बटन को प्रेस कर देना। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जॉब रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए, और अपनी जॉब पाने की संभावनाएं बढ़ाने के लिए। सो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए पहले हम लोग देख लेंगे इस जॉब की पूरी डिटेल्स। इसके बाद गाइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे आवेदन करना है, कैसे यहाँ पे फॉर्म वगैरह को भरना है। तो गाइज, यहाँ पे जॉब डिटेल्स की बात कर ले तो आप लोग जैसे कि देख ही पा रहे, ब्रिटेनिया रिक्रूटमेंट 2023। गाइज, यहाँ पे ब्रिटेनिया जैसी बड़ी कंपनी में 2023 के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है आप सभी के लिए। गाइज, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज के अपडेट्स निकल के आ चुकी है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर मल्टीपल वैकेंसीज, तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। मल्टीपल अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, अलग अलग कैटेगरी की रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी वैकेंसीज की अपडेट्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइज, यहाँ पे आप लोग नीचे जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ने को मिल जाएगी। तो गाइज, इसको भी यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, यह भी बहुत ही जरूरी होती है यहाँ पे जो है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग शॉर्टली इस रिक्रूटमेंट के विषय में पढ़ पाएंगे। इसके बाद गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, ब्रिटेनिया जॉब रिक्रूटमेंट 2023। अभी यहाँ पे हम लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम क्या है, क्या क्या पोस्ट कौन सी लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है, हर एक चीज गाइज आगे हम लोग यहाँ पे अभी पूरा डिटेल्स में देख लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यहाँ पे एक शिकायत था, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख के आधी अधूरी जानकारी लेकर आवेदन करते हैं, इसी वजह से आपका जॉब नहीं लग पाता है। क्योंकि गाइज, आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि अभी हमारे भारत देश में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पे कैंडिडेट्स की तुलना में वैकेंसियां कम आ रही है। सो गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे आधी अधूरी जानकारी लेकर आवेदन करेंगे तो गाइज आप लोग की जॉब कैसे लग पाएगी, आप लोग यहाँ पे कंपटीशन को बीट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आवेदन कर रहे हैं, और हर कोई यहाँ पे अच्छी तरह से ही आवेदन करना चाहता है, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे जॉब चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता रहता हूँ, पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए, हर एक चीज को समझ लीजिए, जान लीजिए, तभी यहाँ पे आवेदन कीजिए। आधी अधूरी जानकारी लेकर गाइज आप लोग यहाँ पे भूल से भी आवेदन मत कीजिएगा। सो गाइज, अभी से इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे जो है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ब्रिटेनिया जैसी बड़ी कंपनी में वैकेंसी निकल के आ चुकी है। पोस्ट नेम एंड लोकेशन की बात कर ले तो फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट निकल के आ चुकी है। लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, बारा बंद की लोकेशन के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। क्वालिटी ऑफिसर की वैकेंसी है, पेरू धुराई के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है मेंटेनेंस में, गुवाहाटी लोकेशन के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। ट्रेजरी ऑफिसर की वैकेंसी है, बेंगलुरु लोकेशन के लिए
वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। मैनेजर CMI की वैकेंसी है, बेंगलुरु के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। मैनेजर R&D सिस्टम की वैकेंसी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बद्री लोकेशन के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। HR ऑफिसर की वैकेंसी है, जांगादिया की लोकेशन के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। मेंटेनेंस ऑफिसर की वैकेंसी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रजनगांव लोकेशन के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। प्रोडक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, रुद्रापुर लोकेशन के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। प्रोडक्शन ऑफिसर की और एक वैकेंसी है, मुंद्रा लोकेशन के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। HR की वैकेंसी है, दिल्ली लोकेशन के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की वैकेंसी है, बेंगलुरु लोकेशन के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। मैनेजर CMI की वैकेंसी है, बेंगलुरु लोकेशन के लिए भी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। प्रोडक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, रुद्रपुर लोकेशन के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। प्रोडक्शन मैनेजर की वैकेंसी है, बेंगलुरु लोकेशन के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। एंगेजमेंट मैनेजर की वैकेंसी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राजनगांव लोकेशन के लिए भी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। प्रोडक्शन ऑफिसर की और एक वैकेंसी है, दिल्ली NCR के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, बरान लोकेशन के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव, हाँ गाइज, अगर आप लोग 10वीं 12वीं भी पास है तो गाइज आप लोग यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। चुरू लोकेशन के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। क्वालिटी एश्योरेंस में वैकेंसी है, मुंद्रा लोकेशन के लिए भी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। प्लानिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब लोकेशन के लिए अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी, अलग अलग लोकेशन में बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आ चुकी है गाइज आप सभी के लिए। बहुत ही बढ़िया मौका यहाँ पे निकल के आ चुकी है, टोटल यहाँ पे जो है मल्टीपल पोस्ट निकल के आ चुकी है। और यहाँ पे अप्लाई मोड आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन मोड में ही गाइज यहाँ पे आप लोग को आवेदन करना होगा। कैसे आवेदन करना है इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा स्टेप बाय स्टेप आवेदन करके दिखाऊंगा। कौन कौन यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे, आप लोग भारतवर्ष के किसी भी राज्य किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। मेल फीमेल महिला पुरुष सभी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं जॉब लोकेशन, तो जॉब लोकेशन जो है यहाँ पे पैन इंडिया होने वाली है। आप लोग को यहाँ पे पैन इंडिया लोकेशन में जॉब देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18 साल रखा गया है, मैक्सिमम 45 वर्ष की आयु तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल और एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल। इसके बाद सैलरी की बात कर ले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। तो गाइस अलग अलग पद अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर आप लोग को बहुत ही बढ़िया बढ़िया सैलरी देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे आप लोगों को इंटरव्यू और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल OBC SC ST हर किसी के लिए फ्री ही रखा गया है। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को किसी को भी एक पैसा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाइज ये जो जॉब है 100% फ्री है, 100% निःशुल्क है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, 10वीं पास से लेकर 12वीं पास, ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, हर कोई इसमें आवेदन कर पाएंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। तो गाइज आप लोग को यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है ब्रिटानिया जैसी बड़ी कंपनी में, इसको जानने के लिए गाइज आप लोग को इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। क्योंकि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स है, हर एक स्टेप्स को आप लोग को फॉलो करना होगा, बारीकी से समझ लेना होगा, तभी गाइज आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से अप्लाई कर पाएंगे। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं तभी आप लोगों की जॉब पाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत ही ध्यान से देखिए मैं कैसे यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से अप्लाई कीजिए, एक भी स्टेप को स्किप या फिर मिस भूल से भी मत कीजिए, नहीं तो गाइज आप लोगों की जॉब नहीं लग पाएगी। तो गाइज देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे गूगल में आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पे गूगल में आ चुका हूँ, आप लोग भी यहाँ पे गूगल में आ जाइए, अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर PC में कोई भी एक बढ़िया सा वेब ब्राउजर को ओपन करके। गाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को गूगल क्रोम ब्राउजर ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर में आप लोग ज़्यादा स्पेसिफिकली यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर PC में ओपन कर लीजिए और यहाँ पे गूगल में आ जाइए। गूगल में आके यहाँ पे आप लोग को बस टाइप कर देना होगा THEDJOB जॉब ALERT, बस इतना, दी जॉब अलर्ट एक साथ में यहाँ पे टाइप कीजिएगा THEDJOB ALERT और यहाँ पे आप लोग सर्च वाला बटन में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सर्च वाला बटन में क्लिक कर देंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों के सामने यहाँ पे सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर में ही देखने को मिल जाएगी www.djobvalley.online ये वाला लिंक, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो डायरेक्टली आप लोग जो है इसमें यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आप लोग दी जॉब अलर्ट के ऑफिशियल पेज में पहुंच जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस नीचे चले आना है, आप लोग को देखने को मिल जाएगी ब्रिटानिया रिक्रूटमेंट 2023 ये वाला जॉब सबसे ऊपर में ही, अप्रैल 11
आप लोग डेट को अच्छी तरह से देख लीजिए, डायरेक्टली इसमें यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आप लोगों के सामने इस जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पहले हर एक चीज़ को पढ़ लेना है, समझ लेना है, इसके बाद बस नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं नीचे आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लिंक देखने को मिल चुकी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट लिंक में अप्लाई लिंक, यह जो सामने क्लिक हेयर का बटन है इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग के सामने ये वाला पेज आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं myhrbritannia.com। गाइज हम लोग आपको कभी भी झूठी जॉब्स नहीं दिखाते, आप लोग यहाँ पे प्रमाण सहित हर एक चीज देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस नीचे चले आना है, हर एक जॉब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो गाइज मैं किसी भी एक जॉब में जस्ट डेमो के लिए आवेदन करके दिखाऊंगा, जैसे मुझे ये फाइनेंस ऑफिसर वाला जॉब चाहिए, जस्ट मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैं व्यू डिटेल्स में क्लिक कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे व्यू डिटेल्स में क्लिक कर दूंगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के सामने कुछ ऐसा वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो है हर एक चीज पढ़ने को मिल जाएगी, क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा गया है, सिर्फ एक ग्रेजुएट मांगा गया है, एनी ग्रेजुएट। तो गाइज अगर आप लोगों ने बीए बीएससी कुछ भी किया है आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसी तरीके से आप लोगों को हर एक जॉब को देखना होगा, अपने योग्यता के साथ मैच करना है, तभी यहाँ पे आवेदन करना है। तो अप्लाई करने के लिए ये जो अप्लाई वाला बटन है इसमें क्लिक कर दीजिए, इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग के पास कुछ ऐसा वाला पेज आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोग को लॉग इन करने के लिए बोलेगा, लॉग इन करने के लिए आप लोग के पास अकाउंट होना चाहिए। तो डोंट हैव एन अकाउंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर वाला बटन है, इसमें आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड यह सब वगैरह लिख के रजिस्टर कर दीजिए। इसके बाद गाइज आप लोग यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के लिए अपना जो ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप लोगों ने यहाँ पे जो है रजिस्टर किया था इसको यहाँ पे डाल देना है, और ये जो सबमिट वाला बटन है इसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे गाइज आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग के सामने यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम वगैरह लिख देना है, फर्स्ट नेम में यहाँ पे आप लोग आधार कार्ड में जैसा नाम है बिल्कुल उसी तरीके से लिखिए, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर में आप लोग मेल है फीमेल है इसको सिलेक्ट कर दीजिए, अपने ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है जरूर लिखिएगा, तभी आप लोग को यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, जो भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है आप लोग का यहाँ पे पूरा डिटेल्स वगैरह भर देना है। ब्राउज में क्लिक करके यहाँ पे सीवी जरूर गाइज आप लोग यहाँ पे अटैच कीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे सीवी अटैच करेंगे आप लोग की जॉब पाने की चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ये सब डिटेल्स आप लोग जो है ब्रिटानिया में कोई भी आप लोग का रिलेटिव है तो येस दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। येस यहाँ पे दे देने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो है नेक्स्ट डिटेल्स वगैरह भर देना है, आप लोग को यहाँ पे क्रिएट में क्लिक कर देना है, आप लोग को यहाँ पे सक्सेसफुली आवेदन हो जाएगा। सो गाइज मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। हालांकि गाइज मैंने आप लोग को जैसे वादा किया था मैं यहाँ पे आप लोग को पूरा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, पूरा ऑनलाइन फॉर्म को भर के दिखाऊंगा। तो गाइज मैंने आप लोग को दिखा दिया है वो भी प्रमाण सहित हर एक चीज। अगर फिर भी यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आ जाए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम लोग आपकी सहायता जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए बहुत ही बढ़िया जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपना ख्याल रखिएगा जरूर।